बंजू ने बड़े भारी गहने पहनाए हैं दुल्हन को। अच्छी है ना। कच्चा लोहा है, नई दुल्हन कच्चा लोहा होती है, जैसे चाहो ढाल लो। काकू कभी भट्टी से बाहर भी निकला कर। अबे मुझे तो लगता है काकू भट्टी में ही पुके रह जाएगा। बुझा हुआ लोहा है काला काकू। यरमा नहीं, बंजू, ओ बंजू, चाय नहीं पीनी क्या? आज तो चाय कुछ ज्यादा ही मीठी लगेगी। तो फिर चाय में चीनी ना डालूं? ये क्या कर रही है? से बता दें कि शादी की हाहू खत्म हो चुकी है। अम्मा, सब लड़कियां बंजू की दुल्हन को देखती ही रह गईं। उसके हाथ पांव, उसके कपड़े, उसकी आंखें, जेवर, गहना, सब। आज तक किसी ने ऐसी दुल्हन देखी ही नहीं थी। ये क्या तू माँ के साथ बैठी खुसर पुसर कर रही है? हाँ देख, शक्कर है तो चाय में और डाल कर ला। तू क्यों हर वक्त बच्ची के पीछे पड़ा रहता है? बेटी माँ से बातें ना करे तो कहाँ जाए? हाँ, अपना नाम मत फूंक दीजो इसके अंदर। जब तुझे ब्याह कर इस घर में लाया था तो आग थी आग, धक धक जला करती थी। अब भी चिंगारी बाकी है। आदमी आग से बच जाए मगर चिंगारी उसे जला डालती है। अम्मा, मक्खन नई दुल्हन को ना दे आओ। हाँ ठहर, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। चल आ जा।
नहीं नहीं यरमा, ऐसा मत करना। हमारे बड़े तो ऐसा ही करते चले आए हैं। इसको बदला भी जा सकता है, बस तुम मेरे साथ साथ रहो। क्या सहरा में भी? नहीं नहीं अभी नहीं, जब तुम्हें यहाँ की आदत पड़ जाए तब। मैं नहीं चाहता तुम मुझे जालिम समझो। बंजू, अपनी दुल्हन की खैर मना, बीनू को इससे इश्क हो गया है। इश्क कोई भी करे, दुल्हन तो मेरी ही रहेगी। ये बता, वो काकू ने भट्टी दागी आज? हाँ हाँ दागी है, अगर वो ऐसा ना करे तो खुद ही भट्टी बन जाए। तेरा नाम बहुत अच्छा है, किसने रखा है? मेरी माँ ने। ये नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे नदी किनारे लगे फूलों पर हवा चली हो। तुम भी मेरे वतन से यहाँ आई थी? इतना अरसा कैसे गुजारा? बस गुजर गया। और फिर जब अपने आंगन में फूल हो तो चाहे सहरा हो या सब्जा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मरियम, तू आ गई, रहा नहीं गया ना? यरमा, ये मरियम है, हमसे दो घर आगे रहती है, पिछले चांद ही इसकी शादी हुई है। आओ मरियम बैठो। मीठी रोटी है गर्मा गर्म, अभी बना कर लाई हूँ, खा लो। काकू, क्या खबरें हैं भाई? काकू लोहार नहीं है, रेडियो है, सारी दुनिया की खबरें होती हैं इसके। छोड़ यार, चल ये बता, बादाम लाया है मेरे राजा के लिए? राजा के लिए? हाँ, नया शेर खरीदा है, अभी छोटा है। हाँ। जरा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, तो इस बार तू मैदान में उतरेगा है? मैं नहीं, मेरा राजा। वैसे मर्दानगी दो ही चीजों से पता चलती है, एक मुर्गा लड़ाने से और दूसरा नशा करने से। इसके बगैर तो हड्डियां खुलती ही नहीं है। से काकू, कोई माल पानी है? हाँ क्यों नहीं है, तुम लोग डेरे पर चलो। हा? मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्या हो रहा है? पंजू, हमें डरा दिया। यरमा, ये सब क्या है? यरमा को नंगी दीवारों से डर लगता है। हाँ। मेरा दिल चाहता है मैं जिधर देखूं मुझे फूल नजर आए, यहां से वहां तक सब रंग ही रंग हो। अच्छा लग रहा है ना? हाँ हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मगर सब लोग मजाक उड़ाएंगे, वो सुखानी भी बाहर नाराज घूम रही है।
उसको रहने दे तू, लेकिन मैं किसी और को तेरी बीवी का मजाक नहीं उड़ाने दूंगी। बड़ी अकल की बातें करती है। यरमा अकल की बातें करती है, लगता है मेरी तरह तुम्हें भी यरमा ने काबू में कर लिया है। यरमा, मंजू को वही बात बता जो तू सुबह मुझे बता रही थी। पानी कहाँ से आया? यरमा ने कहा जिस पानी से बर्तन धो उसको फेंको नहीं, हम उससे फूल खिलाएंगे। चल दीना, ताकत लगा। हाँ, जोर से मार। हाँ, ताकत लगा, जोर से। बाबा एक बात बता, ये थानेदार कैसे बनते हैं? तुझे हथौड़ा चलाते चलाते क्या ख्वाब आने लगे? बाबा लोहा गुड़ने से लोगों गुड़ना आसान होता है। चल, शक्ल देखिए अपनी, थानेदार बनेगा। तुम दोनों बाप बेटों को कुटन या फिर लोहे की बातें करने के अलावा कोई तीसरी बात भी आती है? अब दीना मेरी जगह संभाल ले तो हम दोनों बड़े मेले पर चलेंगे। अगर मैं थानेदार बन गया ना तो तुम सबको बड़े मेले पर ले चलूंगा। चलो अभी तो लोहा कूट। कोई काम मुझसे पूछे बगैर नहीं होता था। बाबा एक भेड़ का बच्चा भी मेरी मर्जी के बगैर नहीं लाता था। हाँ, मेरे बाप ने भी मुझे बहुत सर चढ़ा रखा था, पर जब शादी का वक्त आया तो पूछा भी नहीं, बस फैसला सुना दिया। तो क्या बंजू तुझे अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगता है, अच्छा है, ख्याल भी रखता है, पर मेरे बाबा ने मुझसे पूछा क्यों नहीं? यरमा, इस तरह की बातें मत सोचा कर। क्यों अपनी जिंदगी को भट्टी बनाती है? जो बीत गया सो गुजर गया। पुरखों से यही होता चला आया है, सारे बाप अपनी बेटियों से लाड करते हैं पर आखिर में आकर अपनी मर्जी से ब्याह देते हैं। काकू से मेरी शादी की वजह भी बाबा की जिद थी कि लोहारों की बेटी है, लोहारों में ही जाएगी। तू सच कहती है, मुझे भी आज के लिए सोचना चाहिए। जल्दी जल्दी हाथ चला, बहुत देर हो गई। काकू का तो पारा चढ़ रहा होगा, पर बंजू तो तेरे इंतजार में दरवाजे पर खड़ा होगा, है ना? चल जल्दी चल। मांग मरियम से मिठाई। मगर क्यों? कुछ अरसे की बात है, फिर मरियम माँ बन जाएगी। माँ? तुझमें क्या देख रही है तू? तू आज बहुत खूबसूरत लग रही है, जैसे बारिश के बाद धुले हुए दरख्त, जैसे फूल के पत्ते पे ओस के कतरे। औरत माँ बनने लगे तो इतनी सुंदर हो जाती है। पता नहीं तू क्या कह रही है, मुझे तो लगता है मैं मोटी होती जा रही हूँ, अजीब भारी भारी सी।
मेरी आंखों से देख, जहन से सोच, फिर तुझे भी अपने आप हसीन लगने लगेगा। कौन हसीन लगने लगेगा? यर्मा से ज्यादा इस गांव में तो क्या चाल इस गांव में कोई नहीं। मरियम, तेरी गोद भरी इसलिए आज से तुम्हारा नाम भाग भरी। हाँ और क्या, उस साल गांव में जिस जिस का ब्याह हुआ सबकी गोद भरी गई। इलावा तुम हारे। मेरी शादी को 2 साल 20 दिन हो गए, मगर तो क्या हुआ? अपनी नींद सोती है, अपनी नींद उठती है, बच्चा तो दिनों रात मांगता है। और बंजू, बंजू के नखरे कौन उठाएगा? आदत बिगाड़ दी है उसकी। कुछ कपड़े लत्ते भी सिया बच्चे के लिए, या उस वक्त हाहाकार मचेगी। माँ ने कहा है वो सी देगी। अरे मुझे बता तुझे क्या चाहिए, मैं और फुलकरी बैठ के सब कुछ बना देंगे। हाँ हाँ और क्या, टोपी, कुर्ता, तकिया, गद्दा, मेरी यर्मा का सलीका मुंह बोलता है। मेरी बहन के नंद के 14 साल बाद बच्चा हुआ था। 14 साल? मैं 14 साल इंतजार नहीं कर सकती। बहुत देर हो गई, घर चलो। वो भी तो आजकल मुझे इधर उधर नहीं होने देते। कहाँ जा रही है? घर जा रही हूँ। आ कहाँ से रही है? पंजू को खाना देने गई थी। अरे तो क्या पंजू से झगड़ा हो गया? पगली, झगड़ा तो प्यार मोहब्बत की निशानी होती है। मेरा तो रोज झगड़ा होता है। 8 बच्चे पैदा हुए, 3 मर गए, मैं तो फिर भी खुश रहती हूँ। हरी तुझे क्या हुआ? कितने साल हुए तेरी शादी को? मुझे पता है तू मुझसे क्या सवाल करना चाहती है। क्या सवाल? यही, मेरे बच्चे क्यों नहीं है? अरे हो जाएंगे, हो जाएंगे, फिक्र क्यों करती है तू? तुम्हारे इतने बच्चे हुए, तो मुझे बता सकती हो मैं क्या करूं?
मैं क्या बताऊं? अरे मैं तो ना चाहती थी, फिर भी मेरे आंगन में बच्चे आते चले गए, आते चले गए। मैंने ये बात आज से पहले किसी से नहीं कही, हत्ता के बंजू से भी नहीं। तेरे अंदर तो दुख ही दुख भरा हुआ है, पर तू फिकर न कर, मैं तेरे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगी। ये बंजू कहाँ है? बंजू तो आजकल डेरे पे ही रहता है, घर भी कम कम आता है। क्या कहा, डेरे पे रहता है? फुलकरी भी उस पे चीखी थी पर वो सुनता नहीं। अच्छा, मैं फुलकरी से बात करूं फिर बताऊंगी। मगर अरे वो तो तेरे मियाँ से भी बड़ी है, तू हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा। तेजी, इसमें मेरा क्या कसूर है? शायद तेरी कुक? नहीं, नहीं। मेरा दिल, मेरी कुक, मेरा जज्बा, कुछ भी खाली नहीं। मेरे अंदर नफरत की आग भरी हुई है, जिसकी लपटें एक नई यर्मा को जन्म दे रही है। मैं क्यों और कब तक तना रहूंगी, मुझे बताओ काला तेजी। तू परेशान मत हो। देख, तेरी इन खूबसूरत आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। मुझे सोचने दे, तू मासूम है, अपनी मासूमियत को बरकरार रख, सुखी रह। हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा। अरे तू तो जवान है, तुझे तो 10 बच्चों की डार को पालना है। यर्मा, यर्मा, तुम यहाँ बैठी हो, हम समझे तुम मंजू के पास रह गई। बड़ी देर लगा दी। अरे आज मैं और यर्मा बातें करने बैठ गए थे। इस गांव में बहुत दिन से कोई शादी, कोई हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पिछली परसा सब ब्याही गई। हाँ। और नहीं तो क्या, गांव की सब लड़कियां या तो मंग गई या ब्याही गई, अब तो सिर्फ गली में खेलती बच्चियां ही रह गई। अच्छा तो मैं चलूं, बहुत देर हो गई। खेत में कल फिर आऊंगी, मेरे लिए बाजरे की रोटी पका रखना। अच्छा, अरे बाजरे की तो क्या, चावल की रोटी भी पका कर रखूंगी, पर तू आने वाली तो बन खाला तेजी। यहाँ के बोल तो नहीं, तुझे क्या पता? 3 सालों में मुझे यहाँ के सारे गीत याद हो चुके हैं। ये तो करमदीन है, तुम्हारे सब्जादारों से आया है। बंजू को डंगर देने हर साल आता है। हर साल आता है, मुझे पता नहीं चला। हाँ तो डेरे से आकर चला जाता है, जैसी आवाज वैसा चेहरा, दोनों ही भले लगते हैं।